हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम सचिन कुमार है और मैं स्किल हिंदुस्तान में आपका स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलिंग डायग्राम, और मैं आज आपको इसे बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूं और समझाने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें मुझे सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मुझे अपने स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोलिंग डायग्राम में किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मुझे स्टार डेल्टा स्टार्टर का बनाने के लिए मुझे किन भी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहले मेरा रहेगा एक ओवरलोड रिले रहेगी, और उसका एक एनसी पुश बटन रहेगा और एक एनओ पुश बटन रहेगा, और मेरे तीन कॉन्टैक्टर रहेंगे, ये 1 2 3, और एक मेरा टाइमर रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो मेरा ये रहेगा, ये मेरा एमसी भी रहेगा यहाँ पर, और ये ओएलआर ओवरलोड रिले रहेगी, और ये मेरा एनसी पुश बटन रहेगा, और ये मेरा एनओ पुश बटन रहेगा, और फ्रेंड्स ये मेरा टाइमर है यहाँ पर, एक मैं टाइमर का भी यूज करूँगा इसमें अपने स्टार डेल्टा स्टार्टर कंट्रोलिंग डायग्राम में। और इसमें मेरा एक ये जो पहला वाला ये कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, ये मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, और ये दूसरा वाला मेरा डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर रहेगा, और ये तीसरा वाला मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर रहेगा। तो फ्रेंड्स, अब मैं शुरू करता हूँ इसके बारे में आपको कंट्रोलिंग डायग्राम। इससे पहले आपको एक जानकारी दे देता हूँ मैं इसमें कि ये हमारा एक कोर्स है इलेक्ट्रिकल एडवांस कोर्स, जो 25 तारीख से शुरू हो रहा है। अगर आप इसे ज्वाइन करते हैं तो इसमें आपको 100% जॉब की गारंटी मिलती है, अगर आपने ITI और डिप्लोमा किया है और VTech है आप, और आपके पास जॉब नहीं है तो। ओके फ्रेंड्स, तो ठीक है, अब शुरू करते हैं हम इसके कंट्रोलिंग डायग्राम के बारे में। तो ये जो मेरी MCB है, तो इसको मैं जो है यहाँ से एक जो मेरा फेस वायर होगा उसे मैं यहाँ से अपने OLR के, ये मेरे OLR में दो पॉइंट होंगे, टर्मिनल 95 और 96 नंबर, जो मेरे NC टर्मिनल हैं। इसमें अगर मैं NC का मतलब होता है कि अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट पर सप्लाई दिए तो दूसरे से मुझे आउटपुट मिल जाती है। अगर मैं यहाँ दे रहा हूँ तो मुझे इसको बिना प्रेस किए अपने पुश बटन को और आउटपुट मिल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से 95 नंबर पर इससे अपने टर्मिनल पर इस सप्लाई को जोड़ दूंगा और मुझे 96 नंबर से यहाँ से आउटपुट मिल जाएगा। ओके, और इसे मैं ले जाकर जोड़ दूंगा अपने NC पुश बटन के इनकमिंग टर्मिनल पर, और अपने NC पुश बटन से जब मैं इसे आउट करूंगा तो ये मेरे NO के इनकमिंग टर्मिनल पर आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, और मैं यहाँ से ले जाकर इसे अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर के A1 टर्मिनल पर जोड़ दूंगा। ओके, तो अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स कि ये मैंने कंप्लीट कर दिया है अपना फेस वो, अब मुझे इसमें अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करने के लिए इसमें न्यूट्रल देना होगा। तो न्यूट्रल को मेरा जो सीधा है यहाँ से उठाऊंगा अपने MCB से और इसे सीधा अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर के A2 टर्मिनल पर दे दूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब क्या होगा इसमें कि मेरा कॉन्ट्रैक्टर तो ऑपरेट हो जाएगा बट ये अभी होल्ड नहीं होगा। ओके, तो इसे होल्ड करने के लिए मैं क्या करूँगा कि मेरा जो यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरा NC टर्मिनल बन रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक लूप उठाऊँगा अपने NC टर्मिनल से और अपने मेन कॉन्ट्रैक्टर के NO टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर दूँगा, और NO टर्मिनल के आउटपुट से एक लूप उठाऊँगा और इसके A1 टर्मिनल पर इसे जोड़ दूंगा। इसके अब क्या होगा फ्रेंड्स कि मेरा जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है वह होल्ड हो जाएगा। अभी एक जानकारी और दे दूँ मैं इसमें आपको कि यहाँ से यहाँ तक ये मेरा अब ये बन गया डोल स्टार्टर। ओके, ये मेरा डोल स्टार्टर है, तो अब मैं क्या करूँगा, डोल स्टार्टर से अब मुझे कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसे स्टार डेल्टा स्टार्टर में। तो मैं मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे टाइमर की जरूरत पड़ेगी, तो टाइमर मैंने यहाँ पर एक ऑलरेडी ले रखा है। ओके, तो मैं क्या करूँगा, अपने जो मेरा मेन कॉन्ट्रैक्टर है उसके A1 टर्मिनल से उठा सकता हूँ, अपनी एक लूप उठाऊंगा ये और इसे अपने टाइमर के A1 टर्मिनल पर इसे जोड़ दूंगा। ओके, अब अपने टाइमर को ऑन करने के लिए फ्रेंड्स मुझे इसमें न्यूट्रल भी की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो मैं यहाँ से इसे एक जो न्यूट्रल है मेरा, मैं यहाँ से अपने इसका एक पॉइंट होगा फ्रेंड्स यहाँ पे A2 पॉइंट, जिस पर मैं अपने न्यूट्रल को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा।
ओके, जिससे अब मेरा टाइमर क्या होगा, मेरा टाइमर ऑन हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ से अपने टाइमर से अपने स्टार और डेल्टा कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करना है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ और सिखाने वाला हूँ, इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग क्या होती है कि अगर मेरा एक कॉन्ट्रैक्टर में कोई प्रॉब्लम हो गई है तो जब तक कि वो मेरा कॉन्ट्रैक्टर ऑपरेट नहीं करेगा, दूसरा कॉन्ट्रैक्टर मेरा ऑन नहीं होगा। ओके, तो ये मेरी मोटर की सेफ्टी के लिए होता है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा कि इसमें मेरा एक ये 15-25 नंबर पॉइंट होगा, जिसे मैं आपस में शॉर्ट करके A1 टर्मिनल पर जोड़ दूंगा। ओके, इसे क्यों जोड़ा मैंने यहाँ पर, इसको इसलिए जोड़ा कि मैं जब इसे आपस में शॉर्ट करूँगा तो जो मेरी सप्लाई 15-25 नंबर में आएगी वो मुझे इधर दूसरी साइड नीचे को और उसका आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो मैं इसका क्या करूँगा फ्रेंड्स कि मैं अपने पहले मुझे अपना स्टार, मेरा जो टाइमर है वो पहले स्टार कॉन्ट्रैक्टर को ऑन करेगा। तो जो स्टार की सप्लाई आएगी मेरी 15-16 नंबर पर और डेल्टा की सप्लाई आएगी मेरी 25-28 नंबर पर। तो इसमें क्या होगा, ये भी यहाँ पे भी NONC का काम होगा कि जैसे ही मेरा 15 और 16 नंबर अपना NC का काम करेगा तो मेरा स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो जाएगा, और जैसे ही मेरा जो टाइमर है वह स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो मेरा 15-16 नंबर है वो NC से NO हो जाएगा और 25 और 28 नंबर मेरा NC का काम करेगा। ओके फ्रेंड्स, तो मैं यहाँ से क्या करूँगा कि मैं यहाँ से स्टार के लिए सप्लाई लेके जाऊँगा अपनी और डेल्टा के NC टर्मिनल पर इसे कनेक्ट करूँगा। ओके, और यहाँ के NC टर्मिनल से डेल्टा के NC टर्मिनल से आउट करूँगा और इसके A1 टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर दूँगा। ओके फ्रेंड्स, ये मैं आपको विद इंटरलॉकिंग के यहाँ सिखा रहा हूँ ये चीज़ें, बहुत ध्यान से देखना चीज़ों को। अब मुझे स्टार कॉन्ट्रैक्टर को मैंने फेज दे दिया है, अब मुझे क्या करना है कि अपने इस स्टार कॉन्ट्रैक्टर को न्यूट्रल भी देना पड़ेगा। ओके, तो मैं यहाँ से न्यूट्रल वायर जो मेरा जा रहा है मैं यहाँ से इसके A2 टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर दूंगा। ओके, और फ्रेंड्स मेरा जो है स्टार कॉन्ट्रैक्टर ऑन हो चुका है। अब जैसे ही मेरा टाइमर स्टार से डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो उसकी जो सप्लाई है मुझे 28 नंबर पॉइंट पर अपने आउटपुट मिल जाएगा और मुझे ये ले जाकर यहाँ से उठाऊँगा अपने से और स्टार के NC टर्मिनल पर इसे जोड़ दूंगा। ओके फ्रेंड्स, और NC टर्मिनल के से आउटपुट लूँगा और अपने डेल्टा के A1 टर्मिनल पर इसे कनेक्ट कर दूँगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये मेरी इंटरलॉकिंग है जो मैंने बताया आपको कि अगर इंटरलॉकिंग में करता हूँ तो मेरा जब तक एक कॉन्ट्रैक्टर में कोई दिक्कत हो जाती है तो जब तक मेरा दूसरा कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। ओके फ्रेंड्स, तो ये था स्टार डेल्टा स्टार्टर का कंट्रोलिंग डायग्राम। तो फ्रेंड्स अगर आपको पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और आगे मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा इसका पावर डायग्राम, उसे भी बहुत ही आसान तरीके से आपके लिए समझाऊंगा। ओके फ्रेंड्स।